तो प्रदेश में मॉनसून का आगमन हो चुका है और शुरुआती बरसात के साथ ही प्रशासन तथा सरकार किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए तैयार है। इस बार जब नूरपुर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में नूरपुर प्रशासन किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। तो उन्होंने बताया कि बरसात के दौरान किसी भी वाहन को खड्डा में घुसकर खनन करने की अनुमति नहीं रहेगी। इससे संबंधित निर्देश भी विभाग को जारी कर दिए गए हैं। ये नाले जो है उफान पे है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे? बरसात का मौसम हमारे आ ही गया है। एक जो फर्स्ट मॉनसून के शावर्स हो गए हैं और उसके अंदर हमने पाया है कि कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि जो एनएच का मेन हाईवे है वहां पे कई कई जगह पे हमें प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन हमने इस चीज को इंश्योर किया है कि हम फास्टली, मतलब जितनी स्पीड हो उससे हम ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। जैसे कि कहीं कच्ची नालियों का इशू है या कहीं ड्रेनेज का इशू है, तो हमारी जो टीम है वो रेगुलरली और कंपनी के साथ टच में है, एनएचआई के साथ, और वी आर इंश्योरिंग कि जो भी ये छोटे छोटे इश्यूज हैं ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। सर, देखा गया जैसे जसूर है, जसूर खड्ड में जो है झोपड़ी वाले बसे हुए हैं, तो पिछली बार भी ऐसा घटना घटी थी, इस बार क्या तैयारी? जसूर के लिए हमने पिछले हफ्ते ही हमारी जो पंचायत और हमारे जो रेवेन्यू के हैं अधिकारी, उन्होंने नोटिस दे दिया है सारे लोगों को कि जो भी खड्डों के आस पास बसे हुए हैं वो खड्डों से उठ जाएं, और हम इस हफ्ते फिर एक इंश्योर करेंगे कि वो सारे वहां से खाली हो जाएं, ताकि क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि जैसे कि अभी रिसेंट एक ज्वाली में इंसिडेंट हुआ, तो खड्डों में जो पानी आ रहा है उससे एकदम पानी आ जाता है, अगर ऊपर कहीं बरसात होती है तो इंसिडेंट होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से ये चीज इंश्योर करेंगे कि वहां से लोग उठ जाएं और वो पूरा एरिया खाली हो जाए। और इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नदी नालों के पास इस मौसम में मत जाएं। हम ये आए दिन देख रहे हैं कि कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है रात के टाइम पे, जहाँ कोई ना कोई बंदा नदी नाला क्रॉस कर रहा है। तो आप